गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यूट्यूब के इस डिलाइट एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश कुमार भाटी और आज आप देख रहे हो वीडियो पार्ट 2 क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। और इस वीडियो के अंदर हम आज एक्सरसाइज 2 कवर करेंगे इस चैप्टर की। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 2। अब क्या करना है कि आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो मैंने रेड पेन से इसको दिखाया है। 5x2, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती हो गई है। 5x2 -4x+3 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि आपको जो x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू -1 है और x की वैल्यू 2 है, वो बारी बारी से ये सारी वैल्यूज को इस इक्वेशन में रखनी है। तो हम पहले स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया p ऑफ x इज इक्वल टू 5x² -4x+3। अब हम क्या करेंगे, ये p ऑफ x का मतलब होता है पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x। अब x मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये सारे वेरिएबल्स x हैं। यहां पे अगर y होता 5y² -4y+3 तो मैं p ऑफ y लिखता, ठीक है। अब मुझे x की वैल्यू क्या दी थी, यहां पे x इज इक्वल टू 0, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं 0 5² -4+3, राइट। अब p ऑफ 0 इज इक्वल टू 5 0 raise to 2 इज इक्वल टू 0 -4 × 0 इज इक्वल टू 0 +3। अब p ऑफ 0 इज इक्वल टू 5 × 0 इज इक्वल टू 0 -0 + 3 दैट्स इक्वल टू 0। मतलब क्या हुआ कि इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 रखने पे क्या आ रही है, 3 आ रही है। अगर यहां पे मैं आपको टर्म्स एंड कंडीशन बता दूं, चलो x की वैल्यू 0 रखने पर यहां पे जैसे आंसर 3 आ रहा है, ठीक है, तो ये जो x इक्वल टू 0 है ये इस पॉलिनोमियल का रूट नहीं है। अगर यहां पे x की वैल्यू कुछ रखने पर, यहां पे कुछ रखने पर और यहां पे कुछ रखने पर ये फाइनल वैल्यू 0 आती, तो हम समझ जाते कि हम जो वैल्यू लेते वो इस पॉलिनोमियल की जीरोज होती, रूट्स होते, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। सेकंड बात करेंगे, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x² -4x+3। अब सेकंड में पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या लेना है, मुझे -1 लेना है, तो यहां पे मैं -1 ले लेता हूं, -1² -4 -1+3। पी ऑफ -1 इज इक्वल टू 5 माइनस, किसी भी नेगेटिव इंटीजर की पावर इवन में होती है तो आंसर पॉजिटिव में आता है, राइट। और माइनस है तो 1 की पावर, तो आप कुछ भी करो आंसर 1 ही आने वाला है। -4+3 p ऑफ -1 5 × 1 5+4+3 इज इक्वल टू 7 दैट्स इक्वल टू 12। इसका मतलब x इज इक्वल टू -1 भी इसका रूट नहीं है या इसके 0 नहीं है। 0 होता तो यहां पे आंसर क्या आता, 0 आता, राइट। अब हम थर्ड ट्राई करेंगे, p ऑफ x इज इक्वल टू 5x² -4x+3। p ऑफ 2 इज इक्वल टू, क्योंकि यहां पे x की वैल्यू 2 है इसलिए मैं यहां पे 2 ले रहा हूं, 2² -4 2+3। अब p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 2 जा 4 हो जाएगा,
माइनस फोर टू प्लस थ्री। अब पी ऑफ टू इज इक्वल टू फाइव फोर जा ट्वेंटी माइनस फोर टू जा एट प्लस थ्री। पी ऑफ टू इज इक्वल टू ट्वेंटी प्लस थ्री, क्योंकि एडिशन पहले होता है, ट्वेंटी प्लस थ्री ट्वेंटी थ्री, माइनस एट इज इक्वल टू फिफ्टीन। तो x इज इक्वल टू टू रखने पर भी ये वैल्यू जीरो नहीं आ रही है, इसका मतलब ये हो जाता है कि x इज इक्वल टू टू इज ऑल्सो नॉट जीरोज और रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज सेकेंड का क्वेश्चन नंबर वन हमने कवर किया। अभी हम आगे बढ़ेंगे। यहां पे आपको क्या करना है, चेक वेदर गिवन नंबर्स आर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। यहां पे आपको चेक करना है, यहां पे कुछ ना कुछ आपको x की वैल्यू दी हुई है, जैसे यहां पे x इज इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री दिया हुआ है, और ये वैल्यू आपको यहां पे रखनी है p ऑफ x में, और बताना है कि क्या ये वैल्यू रखने पर इस पूरे की वैल्यू ये जो है वो जीरो के बराबर आता है या नहीं। अगर आता है तो वो उसके जीरोज हैं, अगर नहीं आता है तो वो उसके जीरोज और रूट नहीं है। आइए चेक कर लेते हैं। p ऑफ x इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस वन, राइट। अब p ऑफ x इज इक्वल टू, मुझे x की वैल्यू क्या लेनी थी, माइनस वन बाई थ्री प्लस वन। पी ऑफ माइनस वन बाई थ्री, क्योंकि मैंने x की वैल्यू वन बाई थ्री ली हुई है, तो ये थ्री थ्री कट हो जाएगा, माइनस वन प्लस वन। पी ऑफ माइनस वन बाई थ्री इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, ये जीरो हो गया। यहां पे देखो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है आपको, x की वैल्यू माइनस वन बाई थ्री रखने से ये जो है आंसर जीरो आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री इज जीरो ऑफ थ्री एक्स प्लस वन, और x इज इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री इज रूट ऑफ थ्री एक्स प्लस वन। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यहां पे p ऑफ x इज इक्वल टू फाइव एक्स माइनस फाइव दिया हुआ है। अब p इज इक्वल टू मुझे फोर बाय फाइव लेना है, तो फाइव इंटू फोर बाय फाइव माइनस फाइव, राइट। अब p इज इक्वल टू फोर बाय फाइव, फाइव फाइव कट हो गया, फोर माइनस फाइव पाई। तो p इज इक्वल टू फोर बाय फाइव रखने पर यहां पे जो वैल्यू आएगी वो जीरो के बराबर नहीं आएगी, ये हमें क्लियर है, क्योंकि आप फोर में से फाइव पाई निकालोगे तो एग्जैक्ट जीरो तो नहीं आने वाला है, डेफिनेट 100% नहीं आने वाला है। तो फोर बाय फाइव इज नॉट जीरो ऑफ फाइव एक्स माइनस पाई। तो इस तरीके से आपको जीरोज निकालने होते हैं या जीरो है कि नहीं वो बताने होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऐसा हो तो, अगर आपको लिखना है तो। चलिए शुरू करते हैं। अभी यहां पे लिखा हुआ है फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब जीरो निकालने हैं तो जीरो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उनको पहले इसकी जो पूरी वैल्यू है उसको हम जीरो लिख देंगे। जैसे क्या करना है कि मेरे पास क्वेश्चन है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव। अब मुझे इसकी जीरो निकालने हैं तो मैं राइट साइड में क्या कर दूंगा, जीरो लिख दूंगा। मैंने आपको पहले ही बोला था, मेरा लीनियर इक्वेशन वाला वीडियो आप देख लीजिए, p ऑफ x एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू, मैंने क्या कर दिया, जीरो रख दिया। अब मुझे यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी, मैं इस प्लस फाइव को यहां पे शिफ्ट करूंगा तो जीरो माइनस, ये प्लस में था उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो p ऑफ x और x की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, माइनस फाइव मिल जाएगी। तो अगर मैं बोलूं कि व्हाट आर द जीरोज ऑफ x प्लस फाइव, तो उसका आंसर होगा माइनस फाइव। क्या ऐसा लिख सकते हो, x इज इक्वल टू माइनस फाइव इज जीरो ऑफ और रूट ऑफ x प्लस फाइव।
ठीक है, सेकेंड सॉल्व करते हैं, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे हम एक्स सॉल्व करेंगे, माइनस फाइव उस साइड जाएगा तो जीरो प्लस फाइव एक्स इज इक्वल टू प्लस फाइव। तो एक्स इज इक्वल टू प्लस फाइव इज जीरो ऑफ एक्स माइनस फाइव, और एक्स इज इक्वल टू फाइव इज रूट ऑफ एक्स माइनस फाइव। चलिए आगे, यहां पे 2x प्लस फाइव दिया हुआ है, इसको हम जीरो लिखेंगे, 2x इज इक्वल टू माइनस फाइव हो जाएगा और x इज इक्वल टू माइनस फाइव बाय टू हो जाएगा। ये इसकी जीरोज बनेंगे या रूट्स बनेंगे। फिर नेक्स्ट है 3x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, ये माइनस टू राइट साइड जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, और 3 है वो 2 के नीचे जाएगा इसलिए 2 बाय 3। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो, 3x दिया हुआ है तो 3x इज इक्वल टू जीरो रखेंगे, x इज इक्वल टू 3 है वो 0 के नीचे जाएगा, x इज इक्वल टू 0 बाय कोई भी नंबर हो तो आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। फिर नेक्स्ट ax प्लस डी दिया हुआ है तो इसको 0 रखेंगे, d प्लस में है उधर जाके माइनस हो जाएगा, और x के बाजू में a है वो d के नीचे चला जाएगा इस तरीके से। तो ये आपके यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर सेकेंड कंप्लीट होती है। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको एक्सरसाइज नंबर 2.3 कवर करवाएंगे, जो हमारा पार्ट नंबर 3 रहेगा। इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। सॉल्यूशन करने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच।